चीन पाकिस्तान हो जाओ खबरदार, बॉर्डर पर आने वाली है प्रलय। पाकिस्तान और चीन के लिए प्रलय को रोकना होगा मुश्किल। चीन से तनाव के बीच सरकार ने लिया बड़ा फैसला। चीन के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच केंद्र सरकार सीमा पर मजबूती की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। रक्षा मंत्रालय ने एक बड़े फैसले में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए लगभग 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इन मिसाइलों को सेना की तरफ से चीन और पाकिस्तान के साथ सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। वर्तमान में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें 150 से 500 तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। खास बात है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्टर मिसाइलों के माध्यम से दुश्मन के लिए पता लगा पाना बेहद मुश्किल काम है। खबरों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक ने सशस्त्र बलों के लिए लगभग 120 मिसाइलों की खरीद और सीमाओं पर उनकी तैनाती को मंजूरी दे दी है। इन बैलिस्टिक मिसाइलों का सेना में शामिल होना देश के लिए एक बड़ी बात है। अब देश के पास ऐसी नीति है जो सामरिक भूमिकाओं में बैलिस्टिक मिसाइलों के उपयोग की अनुमति देती है। वहीं चीन और पाकिस्तान दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो सामरिक भूमिकाओं के लिए हैं। बताया जा रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की तरफ से डेवलप किए गए मिसाइल को और बेहतर बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर सेना चाहे तो इसकी रेंज को काफी बढ़ाया जा सकता है। इस मिसाइल प्रणाली को साल 2015 के आसपास विकसित करना शुरू किया गया था। दिवंगत जनरल बिपिन रावत की तरफ से इस तरह की क्षमता के विकास को बढ़ावा दिया गया था। पिछले साल 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को लगातार मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण भी किया गया था। ऐसे में आपको जान लेनी चाहिए कि क्या है प्रलय की खासियत। प्रलय एक अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये इंटरसेप्टर मिसाइलों को मात देने में सक्षम है। इसके लिए इस एडवांस मिसाइल की तरह डेवलप किया गया है। इस मिसाइल में हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता है। प्रलय एक सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और अन्य नई तकनीकों से चलता है। मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल है। मिसाइल को पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, इसके बाद इसे भारतीय थल सेना में शामिल किया जाएगा। प्रलय एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जमीन से जमीन पर मार करने के लिए विकसित की गई है। DRDO ने इसे देश की विश्वसनीय पृथ्वी मिसाइल सिस्टम पर डेवलप किया है। DRDO ने अग्नि प्राइम को अग्नि 1 और अग्नि 2 सीरीज की मिसाइल से ज्यादा एडवांस बनाया है। प्रलय को पाकिस्तान की कम दूरी की परमाणु मिसाइलों से मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। प्रलय मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और कई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाई गई है। प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। प्रलय मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। ये 500 से 1000 किलोग्राम का भार ले जाने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल गाइडेंस प्रणाली में मॉडर्न नेविगेशन और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम शामिल है। प्रलय मिसाइल की तुलना चीन की डोंगफेंग 12 मिसाइल से की जा सकती है। वहीं प्रलय की टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी 33 फीट है। यानी टारगेट से 33 फीट के दायरे में मिसाइल अगर गिरती है तो भी उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरती तो करती। छोटी दूरी होने का फायदा यह है कि इसे आप देश की पश्चिमी या पूर्वी या उत्तरी सीमा पर तैनात करके दागते हैं तो सिर्फ वही इलाका नष्ट होगा जितना आपको बर्बाद करना है। प्रलय मिसाइल की गति करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन के पास इस तरह की डोंगफेंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी M11 और शाहीन मिसाइल है। इनमें से गजनवी 320 किलोमीटर, M11 350 किलोमीटर और शाहीन 750 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हैं। माना जा रहा है कि प्रलय में रात में भी हमला करने की तकनीक लगाई गई है, यानी चीन के ठिकानों पर रात में भी हमला संभव है। यानी इसमें इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा होगा जो रात में हमला करने में काफी मदद करता है। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन पाकिस्तान खबरदार हो जाइए, क्योंकि बॉर्डर पर प्रलय आने वाली है जिसको रोकना पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बेहद ही मुश्किल होने वाला है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।